हे गाइस, कैसे हैं आप सब। और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट टेक चैनल को। स्वागत है आपका इस अमेजिंग टेक वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं जिनकी मार्केट में रिसेंटली प्राइस ड्रॉप हुई है, तो आज मैं उन्हीं के बारे में आपको अपडेट देने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो दैट बिंग सेट, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहला डिवाइस है शाओमी का मी मिक्स 2, जो कि शाओमी का एक प्रीमियम डिवाइस रह चुका है। इसकी लॉन्चिंग प्राइस थी 35,999 रुपीज़, जो कि अब 5,000 कम करके कर दी गई है 29,999 रुपीज़। तो अगली डिवाइस है सोनी का X-A1 अल्ट्रा, जिसकी लॉन्चिंग प्राइस थी 22,990 रुपीज़, अब 5,000 कम करके कर दी गई है 27,990 रुपीज़। तो अगली डिवाइस भी है सोनी की तरफ से, जो कि है सोनी X-A1 प्लस, जिसकी लॉन्चिंग प्राइस थी 24,990 रुपीज़, अब 5,000 कम करके कर दी गई है 19,990 रुपीज़। अगली डिवाइस भी है सोनी की तरफ से, जो कि है सोनी Xperia XZ प्रीमियम, जिसकी लॉन्चिंग प्राइस थी 24,990 रुपीज़, इसकी भी 5,000 रुपीज़ प्राइस कम करके कर दी गई है 19,990 रुपीज़। तो अगला स्मार्टफोन है वीवो की तरफ से, जो कि है वीवो V9 यूथ, जिसकी लॉन्चिंग प्राइस थी 18,990 रुपीज़, और इसकी कीमत कम करके कर दी गई है 17,990 रुपीज़। तो अगला स्मार्टफोन है ऑनर की तरफ से, जो कि है ऑनर का 7X, जो कि एक ऑनर का बैलेंस्ड फ़ोन रह चुका है। इसकी लॉन्चिंग प्राइस थी 12,999 रुपीज़, जो कि 1,000 कम करके कर दी गई है 11,999 रुपीज़। तो गाइस, ये रही आज की सारी डिवाइसेज जिनके रिसेंटली प्राइस ड्रॉप हुई हैं। तो अब कुछ बात करते हैं कुछ टेक अपडेट्स की, जो कि पहली अपडेट आती है वन प्लस की तरफ से, जो कि वन प्लस 6 ने लॉन्च कर दिया है अपना मिडनाइट ब्लैक कलर 8GB एंड 256GB वेरिएंट इंडिया में, जो कि प्राइसिंग की बात की जाए तो 43,999 रुपीज़ होती हैं। तो अगर आपको एक वन प्लस 6 फ़ोन लेना है तो आप मार्केट में जाके ले सकते हैं। तो अगली अपडेट नहीं बल्कि न्यूज़ है क्वालकॉम की तरफ से, जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन ने लॉन्च किया अपने 3 नए प्रोसेसर्स, जो कि स्नैपड्रैगन 632, स्नैपड्रैगन 439 एंड स्नैपड्रैगन 429। तो इन तीनों प्रोसेसर की सबसे खास बात यह है कि ये तीनों प्रोसेसर सपोर्ट करते हैं क्वालकॉम क्विक चार्ज 3 को। बात करें अगर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 632 की, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई है 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे। GPU की बात की जाए तो इसमें यूज़ किया गया है एड्रीनो का 526 GPU, जो कि मैक्सिमम फुल HD प्लस के स्क्रीन रेजोल्यूशन को सपोर्ट करेगी। और अगर बात करें स्नैपड्रैगन 439 की, तो ये भी इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग की गई है 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे, ये भी सपोर्ट करेगा फुल HD प्लस के स्क्रीन साइज़ को। और अगर बात करते हैं स्नैपड्रैगन 429 की, तो ये भी बनाया गया है 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे, जो कि एक क्वाड कोर प्रोसेसर होने वाला है। बात करें इसके GPU की, तो इसमें दिया गया है 504 का GPU, जो कि सपोर्ट करेगा एक HD प्लस डिस्प्ले को। सो गाइज, ये आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होंगी। और अगर पसंद नहीं है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी अमेजिंग टेक वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।